सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एनवायरनमेंट की सीरीज़, जो कि मैं आपका शुरू कर रहा हूँ इसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हम आपका जो है बातचीत करेंगे आज जितने भी इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है कन्वेंशंस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ट्रीटी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद ही हम आपका आगे चर्चा में चलेंगे, ठीक है सर? तो अभी आपका जो है वीडियो शुरू करने से पहले मैं जानकारी दे दूं कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट की सीरीज़ आगे चल रही है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपका कवर करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, जैसे कुछ करंट अफेयर्स भी आपके लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो है अभी हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको मिलने लग जाएंगे, और एनवायरनमेंट की सीरीज़ भी आपके लिए चल रही है। तो चैनल को लाइक करते रहिएगा, अगर आपका जो है आपको फ़ायदा मिल रहा है इस पर्टिकुलर चैनल से, तो फिर सेशन को आपका मज़े से देखिए और इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले आपका जो है क्या करते हैं, सबसे पहले आपका एक बात समझ लेते हैं कि ये जो टर्म्स हमने आपका यूज़ किए हैं कि ट्रीटीज़ क्या हैं, ठीक है, कन्वेंशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो होता क्या है कि इनके बीच में बड़ा कोई मेजर डिफरेंस अगर आपको समझाने की बात करें, तो मैं कुछ ऐसे बात करूँगा कि देखो मैं यहाँ पर आपका जो है आपके लिए एक पूरा आपका जो है फॉर्मेशन तैयार कर देता हूँ। एक है ट्रीटी, ठीक है, एक जगह आपका लिख रहा हूँ कन्वेंशन, और एक जगह लिख दूंगा आपके लिए प्रोटोकॉल, ठीक है सर? ये तीन आपके पास पार्ट हैं। ये तीन आपके पास जो पार्ट हैं सर, इनको आपका अगर मैं एक एक करके समझाऊँ, तो ट्रीटी जो होती है, जब भी आप ट्रीटी की बात करेंगे तो ट्रीटी हमेशा आपका जो है एक एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट भी कैसा होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा, ठीक है सर? एग्रीमेंट कैसा होता है सर, ये रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है? ट्रीटी को हम जब भी देखेंगे तो ये एक रिटन एग्रीमेंट के फॉर्म में साइन किया जाएगा। मोस्टली इंटरनेशनल एजेंसीज आपका जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक ट्रीटी आपका जो देती हैं, या फिर आपका एक ट्रीटी क्रिएट करती हैं, जिससे जितने भी आपका जो है बेसिकली रिलेशन है, इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज को आपका गवर्न किया जा सके, और एक ही ट्रीटी पर आपका जो है जितनी भी बाकी आपका जो है जितनी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनसे क्या हो सके, वो इनसे आपका जो है मिलकर एक साथ साथ में आ सके, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ट्रीटी। तो अब आपका कोई कन्वेंशन क्या है, मगर ये कन्वेंशन जो होती है ये भी एक मीटिंग होती है, ठीक है, इसको भी एक मीटिंग कहते हैं। और ये मीटिंग आपका जो है कैसी होती है, ये फॉर्मल असेंबली की तरह होती है। जैसे हम आपका जो है कहीं पर असेंबली में जाते हैं, कहीं पर आपका खड़े हो जाते हैं, तो हम इसको फॉर्मल असेंबली का पार्ट मानते हैं कि भैया एक फॉर्मल असेंबली टाइप आपका मीटिंग कर लो, जिसमें आपका जो है बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग आपका जो है कंट्री से उनके रिप्रेजेंटेटिव आपका बुलाए जाएंगे, उनके डेलीगेट्स को आपका बुलाया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, डेलीगेट्स आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो है बेसिकली चर्चा आपका चलती रहेगी, ठीक है सर? अगर ये चर्चा आपका चलती रहेगी तो उसमें क्या होगा, इनका कुछ मोटो होगा, कोई डिस्कशन का आपका टॉपिक होगा, ठीक है? कोई अच्छा ट्रीटी में हमेशा ना आपका जो है इंटेंट होता है कि कोई मतलब रिलेशनशिप बनाए, कोई इंटरनेशनल लॉ बनाए, ठीक है? बट कन्वेंशन जब भी साइन होगा तो कन्वेंशन के ऊपर हम किसी भी कॉमन आपका बेसिकली किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या कॉमन आपका पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, या कॉमन आपका कोई कंसर्न होगा उसके ऊपर आपका चर्चा करते हैं, ठीक है सर? तो उसके ऊपर चर्चा होगी तो आपका जो है ये कहानी, दो चीज़ें आपका फिर समझ में आ गई होंगी। अब आपको एग्रीमेंट क्या है, रिटर्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंट को या एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए आपका एस्टेब्लिश की जाती है या ट्रीटी होती है। ये फॉर्मल मीटिंग है जिसमें किसी भी कॉमन कंसर्न को लेकर आपका बातचीत की जाएगी सर, ठीक है जी? इसके अलावा अब अगर बात करेंगे आपका जो है बेसिकली प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आपका जो है एक ऑफिशियल प्रोसीजर की तरह आपका काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑफिशियल प्रोसीजर की तरह। तो सर आप कहोगे कि ये किस चीज़ का प्रोसीजर होगा, तो मैं तुमसे कहूँगा कि किसी भी आपका जो है प्रोसीजर की इस्टेब्लिशमेंट के लिए तुमको आपका जो है जब भी तुम प्रोसीजर बनाते हो देखोगे, तो उसमें कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स होंगे, कुछ सर्टेन रूल्स आपका दिए जाएंगे, जो कि किस काम आते हैं, जो कि आपका जो है आने वाले समय में स्टेट को या फिर आपका उनके डिप्लोमेटिक ओकेजन को, इनको समझने में आपका काम आते हैं, ठीक है सर? तो ये कुछ हमारी आपका जो है बातें हैं जो कि हमें आपका जो है डिफर करती हैं किस चीज़ से, जो कि हमें डिफर करती हैं आपका जो है इस पर्टिकुलर ट्रीटी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है सर? अब जरा एक एक करके आपका जो है बात करेंगे आज कौन कौन से हमारे पास या मेरे पास आपके लिए क्या है नया, ठीक है? तो ये बड़ी ऐतिहासिक फोटो है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यूएन, यूनाइटेड नेशन आपका जो है एनवायरमेंट के अंदर एक डेवलपमेंट मीटिंग होती है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो किसी को ना पता हो तो आपका सर ये ब्राज़ील में, ठीक है सर? ये कहाँ मिलता है, ये ब्राज़ील में, 3 से 14 जून 1992।
मैं जितने भी आपका कन्वेंशन है, जितनी भी ट्रीटी है, उनको एक एक करके आपका कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ है, रामसर कन्वेंशन है 1971, कन्वेंशन और ट्रीटी साइट्स 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। अब देखो, रामसर कन्वेंशन है, समझ रहे हो मेरी बात, और साइट्स आपका जो है एग्रीमेंट है, ठीक। इसके अलावा आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वियना कन्वेंशन है। तो अब तुमको आपका कन्वेंशन वगैरह के बीच में आपका जो है चीजें समझ में आ रही होंगी, ट्रीटी क्या है, फिर वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन सबको समझेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपका जो है बात करने जा रहा हूं आज मैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। इसको रामसर ही नाम क्यों दिया गया? ईरान का एक शहर है जिसको हम कहते हैं रामसर, ठीक है। पहली बार आपका जो है किसी ने यहां पर आपका चर्चा की कि किस हिसाब से हम आपका क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये कैस्पियन सी के साथ आपका जो है बेसिकली देखोगे तो इसका शोर लगा हुआ, ठीक है, कैस्पियन सी के साथ। याद रखना, कभी कभी आपका जो है ऐसे मजे लेने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुछ आपका जो है नाला नाले नाले तो नहीं कहोगे, तालाब या फिर आपका पॉन्ड्स या फिर लेक्स, जो कि आपका बहुत ही बड़े लेवल पर आपका जो है माइग्रेटरी स्पीशीज को या फिर आपका जो है नॉर्मल स्पीशीज को प्रोटेक्शन देने का बात कर रही है या कंजर्वेशन की बात कर रही है, कंजर्व करके रख रही है। तो इन सबको आपका जो है क्या करा जा रहा है, इन सबको बचाने के लिए, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, तो इन सबको बचाने के लिए हमने एक आपका जो है बेसिकली क्या साइन किया, कन्वेंशन साइन किया, जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। क्योंकि ये ईरान की सिटी में आपका साइन हुआ, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इसलिए हमने आपका जो है इसको रामसर कन्वेंशन कह दिया। अब अगर रामसर कन्वेंशन के अंदर आपका क्या करेंगे, वो आपका बेसिकली लेक्स, वो जगह जो कि आपका जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बट इकोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इकोलॉजी क्या होता है, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज आपका जरूर देखें, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनको बचाने के लिए काम किया। अब कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनको अगर आपका टाइम भी लगेगा तो भी बचाया जा सकता है, कुछ को बड़ी अर्जेंट नीड होती है कि मतलब अगर आज ही नहीं बचाया तो आपका खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इनके लिए एक नया अलग से रिकॉर्ड बनाया, एक अलग से प्रोटोकॉल तैयार कर दिया, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल के अंदर हमने उन लेक्स, उन आपका बेसिकली जगह को रखा जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट में थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ से आपका चिलिका लेक को रखा गया था उड़ीसा की, ठीक है, या फिर आपका कीबुल लामजाओ। तो ये जैसे आपका चिलिका लेक है, तो पहले तो आपका जो वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल के अंदर आती थी वो, बट अब धीरे धीरे करके उसको बाहर निकल दिया क्योंकि उसने अपने आप को बहुत तेजी से, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है वहां पर, ठीक है सर। अगर बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल आपका जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी आपका सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने आपका साइन किए थे 1982 को, सब आपका जो है अपने यहाँ कुछ ना कुछ करते हैं। इंडिया में अभी आपका जो है 2023 तक की बात करूँ तो लगभग हमारे पास 75 वेटलैंड थे। अभी और कुछ आपका बढ़ाए गए हैं यहाँ पर वेटलैंड, लगभग 5 से 6 आपका वेटलैंड अभी आए हैं। अगर आपको पता हो, आप लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ कि भाई जितने भी आपका न्यू वेटलैंड आते हैं, ठीक है, इन वेटलैंड्स की कहानी भी आपका जो है मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, इन वेटलैंड्स को भी आपका जो है देखेंगे। एक अभी आप अभी 3 आपका वेटलैंड आया है मेरे हिसाब से, अभी के लिए 2024 में 3 वेटलैंड्स को आपका जगह मिली है। एक तो आपका जो है एक था अनकासा मुद्रा, ये वर्ल्ड सेंचुरी है, वर्ल्ड कंजर्वेशन एनर्जी है। एक का नाम था अघाना सीनी आपका जो ये नया बना है, ठीक है। और इसके अलावा एक है मगाड़ी केरे, ये भी आपका जो है अभी नया बनाया गया है, मगाड़ी केरे, ठीक है सर। ठीक, इसमें से 2 आपका जो है कर्नाटका की साइड लोकेटेड है, ठीक, और एक आपका तमिलनाडु में है, ठीक है सर। तो ये बात आपको जो है क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक। 2 आपका जो है बात की गई है, ये 2 फरवरी को ही आपका जो है बातचीत की गई थी कि भाई इनको भी आपका जो है कंजर्वेशन के लिए डाल दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कब, अब इसमें ना खुश होने वाली बात नहीं है कि हमारे पास आपका 81 हो गए हैं या फिर आपका ये हो गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपका जो है कि कितना बढ़िया काम चल रहा है कि आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर भारत को मिले आपका जो है 81 या फिर 78 आपका जो है वेटलैंड हो गए, ठीक है, ऐसा कोई खुश होने वाली बात नहीं। ये मतलब बड़ी कंसर्न की बात है भाई साहब, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अभी हमारे पास आपको कितने टोटल वेटलैंड के करीब मिलेंगे, तुमको 80 के करीब आपका जो है वेटलैंड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 80 हैं हमारे पास। इसमें और भी हुए हैं, जैसे एक लॉन्ग वुड भी हुआ है, लॉन्ग वुड भी आपका जो है देखने को मिला था। लॉन्ग वुड क्या है, लॉन्ग वुड आपका जो है शोला रिजर्व है, फॉरेस्ट है, ये तमिलनाडु में आपका देखने को मिलते हैं। और एक कारावेती वर्ल्ड सेंचुरी भी आपको और मिलेगी इसमें, कारावेती वर्ल्ड सेंचुरी। तो ये 5 हैं जिनको आपका जो हमने ऐड किया, और टोटल नंबर ऑफ राइस कर कर अभी कहाँ पे चला गया है, ये सर आपका हो गया है 80 के करीब, ठीक है सर। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक। दूसरी बात,
75th इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त सितंबर 2012 हमने आपका जो है क्या जोड़ा, 11 नई रामसर साइट जोड़ी। अभी 2 फरवरी आपका 2024 को हमने 5 और जोड़ी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ राइज आपका कहाँ पर आ गया है, 80 के करीब आ गया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है सर। अब होता क्या है कि अभी ना पहले CDS आपका जो है सिंपल क्वेश्चन पूछता था कि भाई आपका जो है योगा डे की थीम आपका बता दो 2024 की क्या है, वेटलैंड डे की थीम बता दो क्या है। अब वो थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, तो भैया अगर उसने आपका जो है थीम्स पूछ ली तुमसे 2022 से लेकर 2024 तक की, तो 2022 की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, 2023 की थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन, और 2024 की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। इसके अलावा आपका जो वेटलैंड साइट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे आपका जो अच्छे से, कौन सी 80 साइट्स हैं उनको भी हम आपका देखेंगे बाद में, पर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपका इनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपका ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेटलैंड है क्या, किस चीज़ को आपका प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका बेसिकली हम बात करेंगे ये है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो जितने भी हम आपका बेसिकली हमारे वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में, उनकी आपका सुपरविजन कैसे करेंगे, उनको ट्रेड में आपका जो है किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उनको लिमिट करना कैसे, उनको आपका थ्रेटन किया गया है, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैसे कम होते जा रहे हैं, इस चीज़ों को कम करना है। तो साइट को रेटिफाई किया गया था 1975 में, बींग साइंड इन वॉशिंगटन DC। प्रेजेंट में आपका इसके पास लगभग 184 के करीब आपका मेंबर सिटीजन्स हैं, ठीक है। साइट मेंबर आपका इंडिया बना था 1976 में, इसका सेक्रेटरेट आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय UNEP। UNEP का आपका एक ऐसा हेडक्वार्टर है मतलब UN का जो किसी गरीब देश में आपको मिलता है, ये मिलता है सर आपको नैरोबी में, नैरोबी में आपका इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी आपको पड़ेगा केनिया के अंदर सर, ठीक है सर, ये बात आप याद रखिएगा। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है साइट्स, जो कि आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को देखती है, जिसमें आपका जो हम क्या करते हैं बाइंडिंग डिसीजंस लेते हैं कि भाई कैसे आपका जो है स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जा सकें जिससे हम प्रोटेक्शन इनकी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन आपका ना ये इसको हम ये लेकर आए थे हम आपका जो है लगभग आपका 1979 में आपका इसके करीब बात की गई थी, ये जितने भी आपका मेंबर्स थे उन्होंने इसको साइन किया था और रेटिफाई कर दिया गया था इसको आपका 1983 में, ठीक है सर। तो होता क्या है कि इसमें लगभग आपका जो 133 के करीब है, इसको एक आपका कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए आपका ये जाना जाता है। माइग्रेटरी स्पीशीज आपका वो स्पीशीज होती हैं जो कभी ठंड के टाइम पर या फिर आपका जो यहाँ पर उनका कुछ बसेरा हो या फिर आपका किसी और पर्पस के थ्रू किसी दूसरे देश में माइग्रेट करती हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमको आपका याद हो तो तुम आपका जो है मुझे बताना, एक आपका साइबेरियन क्रेन का नाम तुमने सुना होगा, साइबेरियन क्रेन आपका रशिया के पास से लगभग 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हुआ आता है और यहाँ पर हमारे क्योलादेव नेशनल पार्क में आपका आकर बैठता है, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट में बताना कि क्योलादेव आपका जो है कहाँ पर है, क्योलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या होने वाली है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। एनवायरमेंट डे पिछले साल की क्या थी और इस साल की क्या है, दोनों बताना, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं कि जितने भी आपका जो है माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको बचाने के लिए आपका जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपका वेस्ट जर्मनी बोन सर्व्स एज कन्वेंशन इट्स हेडक्वार्टर, तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है सर। इसके अलावा वियना कन्वेंशन के ऊपर आपका बात करता हूँ, वियना कन्वेंशन क्या है ये सर, आपका जो है बेसिकली लेकर एडॉप्टेड इन 1985 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1988, ठीक है। हम इसमें क्या बात करते हैं, जितने भी आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं आपका डिप्लीट कर रहे हैं, कहीं डिप्लेशन हो रहा है उसमें, कहीं खराब हो रही है, तो ओजोन लेयर के ऊपर जो आपका प्लेनेट में हम दिक्कतें देख रहे हैं उसको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वियना कन्वेंशन आपका बात की थी, एंड ओजोन लेयर को आपका जो है बेसिकली आने वाले समय पर किस हिसाब से बचाया जा सके क्लोरो फ्लोरो कार्बन से, उसके लिए आपका वियना कन्वेंशन में बात होगी। इसको जून 19, 1991 में रेटिफाई किया गया था, ठीक है। इंडिया रेटिफाइड द वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब देखो एक मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रेक्स था, एक मॉन्ट्रियल है, ये दोनों अलग अलग है ना, ये ट्रीटी है ना, ये आपका 1989 से ऑपरेटिव आपका हो चुकी है, ठीक। मोस्टली आपका जो है सिग्नेचर आपका इसके ऊपर हुए थे सितंबर 16, 1987 में, इसकी सबसे पहली आपका जो है बेसिकली जो जगह है सबसे पहली मीटिंग हेलेंस्की में हुई थी, हेलेंस्की आपका जो है 1989 में सबसे पहली आपका इसकी मीटिंग कराई गई थी और इसमें आपका कई सारी चीजों के ऊपर आपका चर्चा की गई थी, ठीक। अब हेलेंस्की आपका सबसे पहली बात यह है कि तुमको हेलेंस्की के बारे में आपका नहीं पता होगा, हेलेंस्की आपका फिनलैंड की कैपिटल है भाई, ठीक है, फिनलैंड की आपका कैपिटल है हेलेंस्की, ठीक। नाउ
आपका जो इसमें सात मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात की गई है, टेकिंग प्लेस आपका जो है 1990 में लंदन में, नैरोबी में आपका 1991, नैरोबी आपका केनिया की कैपिटल है, ठीक है, मतलब केनिया में आपका जगह है, ठीक है, 1992 इन कॉपनहेगन, फिर आपका जो है 1993 बैंकॉक, ठीक है, इसके अलावा वियना, फिर मॉन्ट्रियल, अलग अलग जगह क्या काम कर रहे हैं, ओजोन लेयर को आपका जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपका डिप्लेटिंग सब्सटेंस है जो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, ठीक सर। नेक्स्ट बेसल कन्वेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसल कन्वेंशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के ऊपर आपका इसमें काम होता है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब समझते हो, ट्रांस बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जितने भी हजार्डियस वेस्ट हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो आपका जो है, मैंने इस बॉर्डर यहाँ पे जैसे यूएसए और कनाडा का बॉर्डर लग रहा है, तो यूएसए वालों ने क्या किया, अपने जितने भी आपका हजार्डियस वेस्ट थे वो कनाडा में जाकर आपका डंप कर दिए, तो यूएस ने अपने यहाँ से तो आपका जो है सब कुछ सही कर लिया, बट वो आपका जो है कनाडा में आपका क्या करके आ गए, खराब कर कर आ गए। तो जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इंपोर्ट्स हैं, या फिर आपका जो है जितने भी हजार्डियस एक्टिविटी वेस्ट होते हैं देखने को, उनसे आपका जो है बातचीत करने के लिए, उनको आपका प्रिवेंशन करने के लिए हम बेसल कन्वेंशन लेकर आए थे, तो इसी को हम कहते हैं बेसल कन्वेंशन, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपका बचाने के लिए हमने काम करना है, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो यूनाइटेड नेशन इज द ओनली यूएन मेंबर स्टेट दैट हैज नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन, टू अदर एग्रीमेंट आर नगोया एंड कार्टिजिना प्रोटोकॉल, ये भी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही काम किया जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे आपका ये हो सकता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका कब लेकर आया गया था, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक एक्ट बनाया गया है जो कि आपका बनाया गया था 2002 के अंदर, ठीक है, इसको भी याद रखना। कभी कभी आपका तुमसे पूछ लेता है कि कंजर्वेशन के लिए आपका बात करेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, ठीक है, बेनिफिट्स की बात करेगा, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें आपका जो है क्या करता है, वो बताने का काम करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये क्या है, ये आपका जो है एक तरीके से मतलब हम इसको आपका क्या प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कैसे कंजर्व करेंगे। अब तुम कहोगे कि बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका करे जा रहे हो आप इतनी देर से, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में अंतर क्या होता है, दोनों एक ही हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों एक ही टर्म है, बस अलग अलग टर्म से यूज होते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, अब इसको आपका ऐसे समझ लो कि जो वेराइटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है ना आपका जो अर्थ के ऊपर, वेराइटी ऑफ लाइफ को हम देख रहे हैं, ये हम आपका क्या करते हैं, इसी से हम मेजर करते हैं कि भाई कैसे वेरिएशन है, कैसे आपका जेनेटिक्स है आपका जो है पृथ्वी के ऊपर, कौन कौन सी स्पीशीज है आपका पृथ्वी के ऊपर, इकोसिस्टम लेवल कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्वे कैसा है, सस्टेन लाइफ करने के लिए आपका क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आती हैं, ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट चलेंगे आपका UNFCCC की तरफ, ठीक है, ये मैं पहले भी आपका कई बार आपको बता चुका हूँ, UNFCCC, ठीक है सर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी पहली मीटिंग आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कब हुई थी, 1992 में, ठीक है, कब हुई है आपका, 1992 में, ठीक। अगर इसके बारे में आपका बातचीत करें तो मार्च 1994 को आपका जो इफेक्ट में आ गया था, लगभग 198 आपका मेंबर है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका जो है एक क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपका 1997 से आई थी, इसमें भी हम क्लाइमेट टेक सेंटर नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे हम क्लाइमेट के जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो आपका बेसिकली हमारे एटमोसफेयर को खराब कर रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्स ह्यूमन इम्पैक्ट आपका क्या देखने को मिल रहा है, कैसे वो आपका जो है हमारे नेचर को खराब कर रही हैं, उनसे प्रोटेक्शन की आपका बातचीत की जाएगी, ठीक है सर। इसके जब UNFCCC की मीटिंग हुई थी आपका 1992 के करीब, तो उसमें आपका कुछ पर्टिकुलर आपका एजेंडाज निकल कर आए थे, एक तो ये पर्टिकुलर आपका ग्रुप बनाया गया था, एजेंसी बनाई गई थी, उसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बातचीत की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल को आपका जो स्टेटमेंट दिए गए, रियो डिक्लेरेशन, रियो डी जेनेरियो क्योंकि आपका जो है ब्राजील में हुई थी, और एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 के ऊपर भी आपका बातचीत की गई थी। अब किसी ने आपका जो है मुझसे ये नहीं पूछा कि सर एक बार ये भी बता दो कि एजेंडा 21 आपका क्या है, ठीक है, तो भैया एजेंडा 21 आपका जो है कुछ नहीं है, ध्यान से अगर सुनोगे तो, एक तो ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान का मतलब है कि आपका जो है सबके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करेंगे, हमें क्या करना है, हमें आपका जो है बेसिकली कुछ स्टेप्स आपका फॉलो करने हैं
कि पहले आपका क्या करेंगे, पहले आपका जो है कुछ हम पार्टनर्स बनाएंगे, सिटीजन्स आपका जो है सबको साथ में लेंगे, फिर आपका जो है लगभग उनको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, सेम आपका जो है बेसिकली कुछ बातें जो होंगी वो हम आपका शेयर करेंगे, हमको अपनी पोजीशन आपका इम्प्रूव करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम आपका जो है उसके अच्छे होने चाहिए, इसको आपका लोकल एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस बहुत सारे हैं कि जितने भी हमें आपका जो है 21st सेंचुरी में जितनी भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपट पाएंगे, इसीलिए इसको एजेंडा 21 दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट आपका कैसे अपने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रखेगी, ये सारी चीज़ें आपका जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी एजेंडा 21 के अंदर, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको, ठीक है, बोर नहीं हो रहे होंगे आप। फिर आते हैं आपका रियो समिट के ऊपर, रियो समिट सेम है, ठीक है, अर्थ समिट को अभी आपका कहते हैं, और फ्रॉम जून 3 टू 4 1992 में आपका इसको साइन किया गया था, ठीक है, कि हम क्या करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करेंगे। UN CCD, ये आपका डेजर्टिफिकेशन से आपका फाइट करता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जितना आपका जो है बेसिकली डेजर्ट का एरिया एक्सपेंड हो रहा है, कैसे धीरे धीरे कर कर आपका सूखा बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उसको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए बात करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, हेल्ड इन 14 सेशन इन न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम सितंबर 2 टू सितंबर 13, यहाँ पर ये बात लेकर आई गई थी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015। तो देखो, पेरिस की जो आपका ट्रीटी साइन हुई थी हमारे पास, ठीक है, UNFCCC की तरफ से, उसमें हमने आपका जो है पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, द एग्रीमेंट वॉज साइन बाय ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएन एंड इट विल गो इन टू इफेक्ट इन 2017। ऑल की आपका जो है ना जो बातें होती हैं ये थोड़ी सी आपका झूठी होती है, ये मिथ है, ठीक है। ऑल नाम की आपका कोई चीज नहीं होती, सारे एक बार में साइन कर दें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन रखा है, एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल सही बात है, UNFCCC में हम ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करने की बात कर रहे हैं, अभी पढ़ा के हटाऊं, जिससे आपका क्या हो सके, डज नॉट एक्सटेंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसको आपका जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपका बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग कमिटमेंट टू डोनेट 1000 बिलियन ईयर फॉर 2020। ये तो फंड ही अब पास हुआ है COP28 के करीब, लॉस एंड डैमेज फंड्स, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है सर। अभी मैंने आपको पिछली वीडियोज में COP28 वाली में बताया था कि ये लॉस एंड डैमेज फंड पास ही कब हुआ है, ये पास हुआ है सर आपका जो है 2024 की आपका COP28 मीटिंग में। तो इसका सिर्फ ऑप्शन एक होगा, टू ओनली, ठीक है सर। ये यूपीएससी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ। ये इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, ठीक है, ये क्या कहता है, वॉज रेटिफाइड ऑन 11 दिसंबर 1997 एंड वेंट इन इफेक्ट फ्रॉम 2005। ये सर आपका जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करता है, जिसमें हम आपका ग्रीन हाउस गैसेस की आपका जो है बेसिकली चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं, कैसे आपका जो उसमें अदर गैसेस आपका इम्पैक्ट कर रही हैं उनको भी हम आपका कम करेंगे, ठीक है। अब आता है रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम आपका जो है नीदरलैंड की तरफ पड़ता है, इसमें हमने क्या बात की है, हम आपका जो ये बात कर रहे हैं कि जितने भी हजार्डियस सब्सटेंस हैं, ठीक है, जितनी भी आपका जो है बेसिकली अलग अलग गैसेस निकल रही हैं, जितने भी आपका वेस्ट हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपका क्या करेंगे, रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर हम आपका कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर आपका इम्पैक्ट डालती है, ठीक। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमको आपका कम करना है, ठीक है। फिर आता है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी मतलब आपका जो है इनको हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर आपका जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट हम बनाया और हमने जितनी भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आपका हम यूज़ कर रहे हैं, उससे कैसे आपका जो है हमें हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी, कैसे वो डेंजर है, उस चीज़ से हमें आपका जो है क्या करना है, प्रोटेक्शन लेने की बात करनी है। फिर आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका जो है बात करता है किस चीज़ के रिलेटेड, कि भाई जितने भी आपका जो है बेसिकली अनमॉडिफाइड आपका सब्सटेंस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को जो दिक्कत दे रहे हैं, जो लाइफ में दोनों के ऊपर आपका दिक्कत है, ह्यूमन के ऊपर भी आपका दिक्कत दे रहे हैं और आपका जो है एनिमल्स के ऊपर भी आपका दिक्कत दे रहे हैं, तो इसको हम पब्लिक हेल्थ और आपका जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ के ऊपर दोनों को देखते हैं, इसको हम POPs के बारे में बात करते हैं। POPs पता है क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो आपका हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने का काम करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन लेकर आया गया था। अब बात कर लेते हैं यूएन रेड के बारे में, यूएन रेड क्या है, यूएन रेड आपका क्या करता है, वन ऑफ द एनवायरमेंटल कन्वेंशन इन यूनाइटेड नेशन कोलेबोरेटिव प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन।
ये हम आपका देख रहे हैं कि जितना भी हमारा आपका जो है कहीं पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर आपका डिग्रेडेशन हो रहा है उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपका चर्चा कहाँ पर की गई है, यूएन रेड के अंदर, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एग्रीकल्चर, फाओ कहते हैं इसको, ठीक है, ऑल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन यूएन रेड विच वॉज एस्टेब्लिश इन 2008, ठीक है। इसके बाद रेड प्लस आया बाद में जाकर, ठीक। ये क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें आपका क्या क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन, ठीक है, इनको कम करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को आपका बढ़ाना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे आपका काम करना है, फॉरेस्ट कार्बन आपका रिजर्व देखने हैं हमें, ये सारी चीज़ें हम आपका जो क्या करेंगे इनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब ये किसके अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 5 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2015 में, ठीक है। इसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने आपका क्या बात की है कि हमको आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका रेस्ट्रिक्ट करना है और 1.5 अगर हो सके तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल आपका जो है 2010 से आपका जो देखने को मिला है, एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन एबीएस, ठीक है, वो एडॉप्टेड। इसको हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपका जो है बेसिकली ऐसे आपका मतलब रिसोर्सेस मान लो या फिर आपका जो है ऐसी चीज़ें मान लो जो कि कहीं ना कहीं पर हमारे आपका जो है जेनेटिक रिसोर्सेस को, कहीं आपका जो है हमारी जितने भी अलग अलग आपका चीज़ें हैं उनको आपका जो है कहीं ख़राब करके देख रही है ये, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपका बात करते हैं। क्योंकि नागोया आपका जो है जापान के अंदर साइन हुआ है, तो ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपका जो है बचा के रखेगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस हिसाब से आपका इम्पैक्ट हो रही है उसको हम आपका देखने की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको आपका इक्विटेबली सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, शेयरिंग आपका आसान से हो सके, उसके बेनिफिट्स का फायदा सबको मिल सके, ये नागोया प्रोटोकॉल के अंदर बातचीत की गई है। मिनामाटा कन्वेंशन, ये भी आपका जो है मरकरी, ठीक है, मरकरी मतलब ना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका जो है डैमेज करती है बहुत सारी चीज़ों को, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे आपका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मरकरी का जो यूज़ है उसको आपका जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके मेजर आपका एयर एमिशन में या कहीं पर लैंड वाटर कहीं पर भी है उसको आपका कम करना है, इसको हम मिनामाटा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। कब आया ये फैक्ट पे 2017 से आया था, एडॉप्ट 2013 में कर लिया गया था। नेक्स्ट आता है किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ आया था, ठीक है। ये ओजोन लेयर को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बातचीत की गई है इसमें, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका किस हिसाब से हम कम करेंगे धीरे धीरे कर कर, इनकी चीज में बात है। किगाली कहाँ मिलेगा आपको, रवांडा में आपका मिलेगा, ठीक है। अब अभी करंट अफेयर्स भी आपका सुनते हो जाओ। करंट अफेयर्स में अभी क्या हुआ है, फरवरी में ही आपका जो है COP14 साइन हुआ है, 12 से 17 फरवरी 2024 को आपका ये हुआ है। अब ये समरकंद में आपका हुआ है, समरकंद आपका किसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में आपका एक मीटिंग हुई, बॉन कन्वेंशन। अब स्पीशी ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज का आपका कौन सा कन्वेंशन है, बॉन कन्वेंशन है। तो इसमें हमने आपका ये देखा कि हमको किस हिसाब से आपका बचाना है। अच्छा, इसके दो अपेंडिक्स आपका बनाए गए हैं, अपेंडिक्स बस के अंदर इसमें जितने भी आपका जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके बारे में आपका बातचीत की गई है। इंडेंजर्ड स्पीशी मतलब जो आपका बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है, ठीक है सर। और ये क्या करता है, ये आपका जो है सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज या एनिमल्स को आपका प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। 1979 के करीब ये आया था, लगभग आपका 40 ईयर्स के करीब आपका इसे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और लगभग मोस्टली आपका जो है पार्टीज ने इसको आपका बनाकर दिखाया है, ठीक है सर। अब एक आपका जो है कुछ चीज़ें मेरी तरफ से लेके जाओ तुम, ठीक है, कुछ चीज़ें आपका जो है मेरी तरफ से लेके जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल और चीज़ें आपका जो है देखो, एक बार्सिलोना कन्वेंशन है, कुछ आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इनको भी आपका लिख लेना। एक बार्सिलोना कन्वेंशन आता है, बार्सिलोना कन्वेंशन कभी भी तुमसे पूछे तो पूछना, उसमें बताना है कि जितने भी आपका मेडिटेरेनियन सी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी के पॉल्यूशन को आपका रिड्यूस डाउन करने के लिए आपका बार्सिलोना कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है सर। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं ये तुमको आपका पता होना चाहिए, ये तुम मुझे आपका कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपका आगे चलूँ तो मैं एक आपका जो है तुम्हें एक और बताता हूँ, एक होता है नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन, नैरोबी अभी आपका मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, नैरोबी किधर मिलेगा, नैरोबी मिलेगा सर आपका केनिया में। तो नैरोबी आपका डिक्लेरेशन बात करता है कि जहां पर हम आपका जितना भी वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन, IOR लिख दिया मैंने, इंडियन ओशियन रीजन, ये इनको प्रोटेक्ट करने के बारे में, इनकी आपका जो है बेसिकली एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में आपका बातचीत करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक हेलेंस की डिक्लेरेशन है, ये अभी बताकर आपका खत्म हुआ। हेलेंस की आपका किधर मिलेगा, अब तो मुझे बताना आपका दोबारा से, ठीक है। हेलेंस की आपका जो है ये एथिक्स आपका बताता है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं मेडिकल कम्युनिटी के ऊपर उससे आपका किस हिसाब से हम कंजर्वेशन करेंगे वो आपका बात करेगा ये, ठीक है सर। साइट्स वगैरह सब मैंने बता दिया। एक बमाकाओ, बमाकाओ कन्वेंशन भी याद रखना, बमाकाओ,
ठीक है, बमाकाओ। बमाकाओ कन्वेंशन आपका जो है किस चीज़ के लिए साइन हुआ था? बमाकाओ बात करता है कि अफ्रीकन नेशन जितने भी हैं, ठीक है, विच बैंस द इम्पोर्टेशन इन टू अफ्रीका, ठीक है, और इनकी जो ट्रांस बाउंड्री है मैनेजमेंट हजार्डियस बेस्ड आपका जो है, कई सारे लोग, जैसे कई सारी कंट्रीज हैं जो वहां पर लाकर अपना हजार्डियस बेस्ड आपका डंप कर देते हैं, तो इसको हम आपका प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी बाउंड्रीज के अंदर आप किसी भी तरीके का आपका कोई भी हजार्डियस बेस्ड नहीं फेंकेंगे। ये बमाकाओ कन्वेंशन के अंदर आपका बात की गई थी 1991 में, आपका ये बातचीत हुई थी, और 1991 से आपका जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अब अफ्रीका के अंदर कोई भी डंपिंग आपका जो है ना हो सके फालतू की, ठीक है सर। तो ये बात आपका जो है हमें और देखने को मिली, ठीक है। एक बेनिजीन कन्वेंशन भी, बेंजीन भी कहते हो, बेनिजीन कह रहा हूँ, बेंजीन कन्वेंशन भी आपका याद रखना। बेंजीन कन्वेंशन आपका क्या है? ये तो अब बेंजीन नाम में ही आ गया, उसके जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं इनको आपका जो है बेसिकली जो कि बेंजीन से निकल के आ रहे हैं उनको आपका प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है। बेसल कन्वेंशन आपका याद हो गया होगा, बेसल कन्वेंशन आपका किस चीज़ से बात करता है? हजार्डियस एक्टिविटीज से आपका बातचीत करता है प्रोटेक्शन की, ठीक है सर। बाकी तो लगभग आपका मैंने तुम्हारे लिए चीज़ें जितनी हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दी हैं। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपका अच्छी लगी हुई होगी। इनके नोट जरूर बना लेना, इन कन्वेंशन से आपको इस बार CAPF के पेपर में भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब कभी कभी आपका जो है ना मैं कुछ कहता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा, तो ये मतलब आपका ना पेपर में आपके काम आएगा ही आएगा, ये लगा लो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है इस साल आपका CDS में एक, ठीक है, एक भी आ सकता है दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाकर आपका जो है पेपर में जरूर पढ़ के चाहिएगा इसको। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, जिंदगी छोटी है, इसको आपका जो है मजे से साथ साथ चलते रहिए। जय हिंद एवरीवन।